नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े, फिर लाया खबर के पीछे की खबर। खबर ये है, गुजरात के सूरत में उकई डैम में पानी की कमी बताकर वहाँ के किसानों को धान की खेती करने से रोका गया है। सिंचाई विभाग के आदेश के बाद सूरत जिले के 2800 हेक्टेयर खेती में अब धान नहीं बोया जाएगा। इसका मतलब धान मात्र 50% ही रह जाएगा। पिछले मानसून में बारिश कम होने के कारण से सिंचाई विभाग ने नहरों को ब्लॉक कर दिया है और पानी छोड़ना बंद कर दिया है। सूरत का किसान बेहाल है और अपने किस्मत पे रो रहा है। खबर के पीछे की खबर ये है, पूरे देश में पानी के बंटवारे के कुछ नियम हैं। उस नियम के अनुसार सबसे पहले पानी पेयजल के लिए आम आदमी को मुहैया करवाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है खेती का, किसान को पानी दिया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उद्योग क्षेत्र, जहां बचा हुआ पानी उन्हें मिलता है। लेकिन सूरत में सारे नियमों को ताक पे रखा गया। पेयजल के बाद पानी उद्योगों को दिया गया, ना कि किसानों को। पानी काटा गया किसानों का और उनको बोला गया कि आप धान की बुआई नहीं कर सकते क्योंकि हम पानी नहीं दे सकते। बारिश की कमी से गुजरात में पीने के पानी के लिए जनता त्रस्त है। किसानों को बोला जाता है कि आप फसल नहीं उगाएंगे क्योंकि हम पानी नहीं दे सकते, लेकिन GSIDC के क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगे हैं उन्हें पानी की सप्लाई निर्बंध चल रही है। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।